हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जामिया मिल्लिया इस्लामिया के फॉर्म को लेकर कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया का फॉर्म कैसे फिल करना है एंड आपको इसमें किस किस बातों का ध्यान रखना है। तो इसमें हम लोग ईच एंड एवरीथिंग को देख डिस्कस करेंगे, जो भी डाउट्स होंगे वो भी डिस्कस करेंगे। और आपको कोई भी मिस्टेक्स नहीं करना है क्योंकि अभी फॉर्म उसको ओपन कर दिया गया है पार्टिकुलर, और जो भी बच्चे अभी अप्लाई करना चाह रहे हैं यूजी पीजी एंड अदर कोर्सेज, सारे कोर्सेज में तो अराउंड सभी कोर्सेज ओपन हो गए हैं, उन सारी चीजों को भी हम लोग देखेंगे। साथ साथ हम लोग देखेंगे कौन कौन सा कोर्सेस सीयूईटी के अंदर आया है और उसको कब फिल करना है, इस बारे में भी हम लोग जानेंगे। और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे सीयूईटी के बाद आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया की वेबसाइट पे। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के जो फॉर्म फिल करने का तरीका है, आप या तो jmicoe.in पे आप डायरेक्ट आ सकते हो, एक तरीका ये होता है कि आप डायरेक्ट jmicoe.in पे आओ और उसके बाद आप यहाँ पे आकर के ओपन कर लें। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है कि आपको क्या करना होगा, आपको jmi.ac.in पे आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां से भी आप सेम प्रोसेस करके आप यहीं पे आओगे jmi.ac.in से। तो दोनों तरीके में से आप जो भी चाहे आप उसको फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग, जब आप यहाँ पे आ जाओगे तो आपके सामने यहाँ पे जैसे कि ये भी मैं 2024-25 के लिए बना रहा हूँ, बट हाँ जो भी बच्चे आगे 25-26 जब के भी होगी तो वो सबके लिए प्रोसेस सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नोटिस जो आई थी जो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप उसको जाकर के जरूर से देख सकते हैं। ठीक है, अभी जो प्रोस्पेक्टस में क्या क्या इवेंट आया है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। प्रोस्पेक्टस में जाने से पहले आपको क्या करना है, अभी पहली चीज की रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पूरी रजिस्ट्रेशन को देखेंगे। तो रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आपने पहले से अकाउंट बना रखा है तो आपको एक्टिवेट योर अकाउंट करना होगा, अदरवाइज आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप जैसे कि मैंने अकाउंट मान लेता हूँ, मैंने नहीं बना के रखा है, तो मेरे को यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन में मुझे यहाँ पे सारी डिटेल्स देनी पड़ेगी, लाइक मेरा नाम क्या है। ठीक है, तो मैंने अपने यहाँ पे नाम दे दिया है, नंबर दे दिया है मान लेते। ठीक है, मैंने यहाँ पे मेल कर दिया है, यहाँ पे मैंने लेट सपोज मैंने अपने फादर का नाम मुझे यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सपोज कर लेते मैंने कुछ नाम डाला है। ठीक है, जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि शादान ही मैं इसको कर देता हूँ एंड मदर्स नेम में भी मैं ऐसे ही मैं कुछ कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है, उसके बाद मेरे को यहाँ पे मेल आईडी, क्योंकि मेल आईडी देखो जेनविनली चाहिए, कुछ भी इसमें गड़बड़ी आप मत कीजिएगा, गलती से भी मत कीजिएगा। ठीक है, मैं इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपसे अगर थोड़ी सी भी अगर गलती होगी तो फिर वो अफेक्ट करेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे मेल आईडी चूज कर लिया, मैंने इस मेल आईडी से पहले भी अकाउंट बना चुका हूँ, तो लेट्स सी क्या होता है, वो तो अभी मुझे नहीं पता कि आखिर क्या ये अकाउंट लेगा नहीं लेगा, क्या कहता है, तो वो देखते। तो यहाँ पे पासवर्ड के लिए पूछ रहा है, पासवर्ड आपको जो भी पसंद है आप वो अपने हिसाब से आप डाल सकते हो। जैसे कि मुझे जो पासवर्ड पसंद आ रहा है वो मैं अपने हिसाब से मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। ठीक है, उसी तरीके से पासवर्ड पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपका जो लेटर है वो 8 से 20 लेटर के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम 8 तो होना ही चाहिए। ठीक है, उसके अलावा क्या डालना होगा, आपको यहाँ पे कैप्चा डालना होगा। ठीक है, कैप्चा आप डालने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि क्या लिखा हुआ है, उस हिसाब से आप यहाँ पे कैप्चा डालिएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे कैप्चा है तो यहाँ पे कैप्चा के लिए मैंने क्या किया, सारी चीजों को डाला एंड देन आफ्टर हमने ओवरऑल चीजें यहाँ पे कर ली है। जब हमने यहाँ पे सारी चीजें कर ली है तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जस्ट देखिए हमने सारी डिटेल्स फिल कर ली है, कुछ भी वैसा मिसिंग नहीं है। ठीक है, एंड देन आफ्टर हमें साइन अप करना है। जैसे ही आप यहाँ पे साइन अप कीजिएगा आपके सामने आपके डिटेल्स आ जाएंगी कि नेम ऑफ द एप्लीकेंट्स, फादर नेम, मदर नेम, फोन नंबर, क्या ये सारी चीजें सही है नहीं है। अगर सही नहीं है तो प्लीज चेक ऑल द डिटेल बिफोर कन्फर्म, कन्फर्म करने से तो पहले एक बार जरूर इसको चेकआउट कर लें कि ऐसा तो नहीं आप गलत डिटेल्स दे रहे हो एंड ऑल। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, चाहे कोई भी आप फिल कर रहे हो तो उस चीज को बिल्कुल आप ध्यान में रखते हुए फील कीजिएगा, कभी भी इसमें गलत मत कीजिएगा, मैं सभी को मैं बता रहा हूँ इस चीज को। उसके बाद हमने इसको कंफर्म कर दिया, कंफर्म जैसे ही किया है अभी हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, मेल आ गया। मेल आने के बाद क्या कह रहा है कि आपके पास एक मेल आईडी गई होगी, आपको उसमें जाके चेक करना है, उसको आपको वहां से कंफर्म कर देना है। जैसे आप वहां से कंफर्म कर दोगे फिर आपका यहाँ से सारी चीजें एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने अपने मेल पे डाल ही दिया है, तो चलिए ठीक है हम लोग मेल भी ओपन कर लेते और हमारे पास मेल ओपन हो जाता है। अब मेल जैसे हमने ओपन किया है, अब देखते हैं कि आखिर वो फाइल आखिर गई कहाँ पे, तो उस चीज को भी हम लोग चेकआउट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जरूर से ध्यान से रखिएगा कि अब जंक फाइल और स्पैम मेल दोनों जरूर से चेक करें, क्योंकि कई बार क्या होता है आपके स्पैम फोल्डर में चला जाता है आपका जो जामिया की तरफ से भेजा जाता है, तो इस चीज को जरूर से ध्यान रखिएगा। अगर आपको यहाँ पे जैसे मुझे तो यहाँ पे दिख गया है
कि हाँ एडमिन एक्टिवेट करने के लिए जीएमआई इंटरेस्ट रेट का ऑप्शन आ रहा है, बट अगर यहाँ आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आपको क्या करना होगा, आपको आना पड़ेगा यहाँ स्पैम के ऑप्शन में। स्पैम के ऑप्शन में आप आकर के इस चीज को आप देख सकते हो कि आपका क्या है क्या नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे साफ साफ दिख जाएगा। ठीक है, तो स्पैम के फोल्डर में आप आके यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो मुझे क्या करना है, मुझे एक्टिवेट करना है, तो चलिए मैं इसे अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर लेता हूँ। मैं अपने मेल को ओपन कर, तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ गए हैं क्या चीज के, कि आपका हाँ अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है। हाई दिस योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड, यू कैन नाउ लॉग इन विद द ईमेल आईडी एंड द पासवर्ड। आप अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड से तब लॉग इन कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ से सीधा चला जाता हूँ अपने लॉग इन वाले यानी होम पेज पे चला जाता हूँ। होम पेज पे जाके मैं अपने आईडी को यहाँ से लॉग इन कर सकता हूँ। हमें लॉग इन करने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि अब हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी, तो हमें क्या करना होगा, जस्ट साइन इन करना होगा। साइन इन करते वक्त हमें क्या यहाँ पे डालना है, हमें यहाँ पे मेल आईडी डालनी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अपने मेल आईडी को पहले डाल देते हैं। ठीक है, तो जब हम अपनी मेल आईडी को डाल देते हैं, देन आफ्टर हमें क्या करना होता है, पासवर्ड डालना होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमने पासवर्ड भी डाल दिया है। पासवर्ड डालने के बाद हमें क्या करना है, जस्ट सबमिट करना है। जैसे ही हम यहाँ पे सबमिट करेंगे, हमारा फॉर्म ओपन हो गया है। अब हमें फॉर्म ओपन होने के बाद देखिए एक चीज ध्यान रखने की बात है, एक माई एप्लीकेशन होता है, एक प्रीव्यू फॉर्म होता है, दो चीज यहाँ पे होती है। अब हमें क्या, देखिए यहाँ पे दो चीज मेंशन है, अगर आपको कोर्स जो भी जिस भी कोर्स में अगर आप फिल करना चाहते हो, आपको माई एप्लीकेशन में जाना होगा और वहां से जाके कोर्स को फिल करना होगा, जिस भी कोर्स को वो फिल करना है, चाहे वो बैचलर्स हो, डिप्लोमा हो, मास्टर्स, एनी कोर्सेज, जो भी कोर्सेज आपके होंगे उन सबको आपको माई एप्लीकेशन में जाके आपको फिल करना होगा। ठीक है, प्रीव्यू फॉर्म तब हम यूज करते हैं जब हमें कोई फॉर्म मैंने फिल कर रखा है और उसके बाद हमें उसे देखना है, देन आफ्टर वी विल यूज प्रीव्यू फॉर्म। तो अभी हमें क्या करना है, माई एप्लीकेशन में, तो हम चलो माई एप्लीकेशन के अंदर चलते हैं कि माई एप्लीकेशन के अंदर में आके है क्या। तो हमने माई एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। माई एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की स्क्रीन ओपन हो जाती है। यहाँ पे हमें कोर्स चूज करना है। कोर्स चूज करने के बाद हमें यहाँ पे कोर्स नेम को चूज करना है। कोर्स नेम चूज करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए जैसे भी मान लेता हूँ, लेट सपोज कि मुझे मास्टर्स ऑफ कोर्स फिल करना है, तो हम यहाँ पे चूज क्या करेंगे, मास्टर्स चूज करेंगे। एंड देन आफ्टर हमें प्रोग्राम चूज करना है। अब जिस भी प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेना, मान लेते हैं लेट सपोज मुझे एमए इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना है। ठीक है, अगर आप बैचलर्स फिल कर रहे हो तो आपको बैचलर्स चूज करना है, अगर आप डिप्लोमा फिल कर रहे हो डिप्लोमा, बीटेक, जो भी आप चूज कर रहे हो वो आपको चूज करनी है। ठीक है, तो मैंने मास्टर्स चूज कर लिया है, एमए इकोनॉमिक्स चूज कर लिया, देन आफ्टर मैं यहाँ से प्रोसीड कर रहा हूँ। जैसे हमने प्रोसीड किया, हमारे पास क्या ऑप्शंस निकल के आते हैं कि जामिया फॉर जनरल कोर्सेज रूल्स, आपने सारी चीजें पढ़ ली है, नहीं पढ़ ली है, अगर पढ़ ली है तो आगे प्रोसीड करें। एंड देन आफ्टर एड द कोर्सेज पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं एड द कोर्सेज पे क्लिक करूंगा, हमारे पास ये पूरे का पूरा फॉर्म ओपन हो गया। अब हमें यहाँ पे अलग अलग चीजों को फिल करना है। अब जो हमें यहाँ पे डिफरेंट थिंग्स को जो फिल करना है, इसमें हमारे पास क्या क्या डिटेल्स मांग रही है वो देखिए, आपको एप्लीकेशन डिटेल्स फिल करना है, फोटो सिग्नेचर सबमिट करना है, एकेडमिक डिटेल्स, डॉक्यूमेंट डिटेल्स, प्रेफरेंस एंट्री, प्रीव्यू एंड कन, इतनी सारी चीजें आपको फिल करनी है। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एप्लीकेशन डिटेल्स फिल करनी है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, एप्लीकेशन डिटेल्स का आपको ऑप्शन यहाँ लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है, आपको इसको ओपन करना होगा। एप्लीकेशन डिटेल्स पे आप जाएंगे, क्योंकि एप्लीकेशन डिटेल्स यहाँ पे क्या है, अभी इनकम्प्लीट है, मतलब हमें इसे कम्प्लीट तो करना है। ठीक है, तो चलिए एप्लीकेशन डिटेल्स के ऊपर चलते हैं। एप्लीकेशन डिटेल्स में क्या क्या ऑप्शंस जो है वो मिसिंग है, वो हमें जो फिल करनी है अभी। तो हमारे सामने एप्लीकेशन डिटेल्स खुल करके आ चुकी है। अब हमें यहाँ पे जैसे कि ऊपर में फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी चीजें थी, अब हमें जो नीचे में जो फिल करना है, दैट इज आपकी सोशल कैटेगरी क्या है। जो भी आपकी कैटेगरी होगी आप उसको यहाँ से चूज कीजिएगा, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी आपका है, अगर आप एससी एसटी से, जनरल से, जिससे भी आप हैं, आप उसको यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे से चूज कर लिया, देन आफ्टर हमने यहाँ से चूज कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें आना है नेशनलिटी पे। नेशनलिटी पे आप क्या है, तो भारतीय आप है, इंडियन है। ठीक है, ब्लड ग्रुप आपका जो भी है वो आप यहाँ से चूज करेंगे, आप ब्लड ग्रुप यहाँ से चूज कर लेंगे। देन आफ्टर आपको गार्जियन का नेम यहाँ पे सबमिट करना है, जो भी आपके गार्जियन का नाम है वो आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको रिलीजन पे आना है, रिलीजन आपको चूज करना है, जिस भी आप रिलीजन से बिलोंग करते हो आप उसे चूज करोगे। जस्ट लाइक मुझे रिलीजन में सिख में चूज करना है कि हाँ इस्लाम है, तो दैट इज इस्लाम। उसके बाद नेक्स्ट एनुअल इनकम ऑफ द फैमिली, जो कि कितने के बीच में है, तो चलिए मान लेते 2 से 8 लाख के बीच में। आर यू कश्मीरी, जर्मनी कश्मीर, नो। कश्मीरी माइग्रेंट्स भी नहीं है, तो नो। एनसीसी कैडेट रहे हैं, तो एनसीसी कैडेट कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, बट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे। एनएसएस में अगर आप हैं तो आप यस करेंगे। अपना आधार नंबर यहाँ से जरूर से मेंशन कीजिएगा, जो भी आपका आधार नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट फ्रॉम वेयर क्वालिफाइंग डिग्रीज रिसीव्ड, आपको मतलब जैसे बैचलर्स डिग्री आपको कहाँ से रिसीव हुई है। ठीक है, क्योंकि आपको मास्टर्स में एडमिशन लेना है, तो मास्टर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे फिल करना होगा कि आपने जो एडमिशन जो बैचलर्स डिग्री ली है, ठीक है, वो किस जगह से ली है। ठीक है, तो जैसे कि हमने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लिया है, तो मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यहाँ से चूज कर लिया।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है, हैव यू एवर बीन अरेस्टेड फॉर कीप इन द कोर्ट डिटेंशन? नो। ठीक है, हैव यू एवर डिवार्ड बाय एनी? तो ऑब्वियसली बात है नो, ऐसा कुछ मैंने चोरी वगैरह कुछ ऐसा किया नहीं है। ठीक है, अगर आपने किया होगा तो आप इसे यस चूज करेंगे, आपने नहीं किया तो नो चूज करेंगे। एनी विजिलेंस और डिस्क्रिमिनेशन के आपके खिलाफ कोई एक्शन वगैरह बाकी है? नो। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ द फादर, दैट इज ग्रेजुएट। ठीक है, उसके बाद हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ द मदर्स, ठीक है, आपकी मदर्स का जो भी क्वालिफिकेशन होगा तो वो आप यहाँ से चूज करेंगे। ठीक है, देन आफ्टर डिड यू पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम जामिया? ठीक है, तो आपने कोई क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जामिया से पास किया है तो हाँ ऑब्वियसली बात, अगर आपने किया है तो यस कीजिएगा। आपने अगर आपने पास किया है तो आपके पास कोई स्टूडेंट आईडी भी होगी, जो कि अगर आपने जामिया से कोई भी एग्जामिनेशन अगर आपने पास किया मतलब आप इंटरनल है यानी इन शॉर्ट इस तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है, तो आपकी एक स्टूडेंट आईडी होगी, तो जो भी आपकी स्टूडेंट आईडी होगी तो वो आप यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आपका नीचे परमानेंट एड्रेस एंड अदर थिंग्स आ जाती है। ठीक है, तो परमानेंट एड्रेस हो गया आपका, जो भी सेम होगा वो सारी चीजें आपकी यहाँ पे आ जाएगी नीचे वाले सेक्शन पे। ठीक है, तो अभी हम उस पर नहीं जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको जस्ट नीचे से सेव एंड प्रोसीड करना होता है और कुछ भी नहीं करना होता है। उसके बाद आपका अगला पेज ओपन हो जाता है। चलिए, तो कुछ डिटेल्स को अभी मैं फिल कर लेता हूँ जो यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, जब आपका फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको क्या करना है, सेव एंड प्रोसीड पे जाना है। जस्ट आपको सेव एंड प्रोसीड पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका सेव एंड प्रोसीड हो जाएगा। देन आफ्टर आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स फिल करनी है, लाइक आपको यहाँ पे फोटो चूज करना है जो कि 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और इधर आपका 100 KB से ज्यादा फोटो नहीं होना चाहिए, मतलब फोटो छोटे साइज का होना चाहिए। अब छोटे साइज करने के लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे आई बटन पे जाके क्लिक करके देख सकते हो कि फोटो को रिसाइज कैसे करें। फोटो को आपको रिसाइज करने का आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा, तो फोटो आप वहां से रिसाइज कर सकते हो। ठीक है, आपने लैपटॉप के साथ भी आप कर सकते हो फोटो रिसाइज। ठीक है, तो वो भी चीजें आपको वहां पे मिल जाएगी, थोड़ा डिटेल वीडियो होगा, अगर आप उसको चाहो तो आप उसको देख सकते हो, आप लैपटॉप खुद से फिल कर रहे हो तो। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, फोटो अपलोड करना है, तो चलिए फोटो हम अपने अपलोड कर लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करना होगा, जैसे हम यहाँ पे फोटो अपलोड कर लेंगे उसके बाद हमें यहाँ से एकेडमिक डिटेल्स पे जाना होगा, तो चलिए पहले फोटो अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने फोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड कर दिया है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद हमें क्या करना होगा, हमें जस्ट यहाँ से सेव एंड प्रोसीड करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट आपको क्लिक करना है सेव एंड प्रोसीड पे। तो जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करोगे आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो हमने सेव एंड प्रोसीड पे चीजों को डाल दिया है, और सेव एंड प्रोसीड पे करने के बाद हमारी चीजें यहाँ से ओपन हो गई। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट इज एकेडमिक डिटेल्स। अब एकेडमिक डिटेल्स आप जैसे भी यहाँ पे मास्टर्स का फिल कर रहे हो, तो मास्टर्स फिल कर रहे हो इसलिए आपको यहाँ पे क्या ऑप्शन दिख रहा है, 12th भी डालना है, बैचलर्स डिग्री भी डालनी है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे सिर्फ बैचलर्स फिल करते तो आपको क्या करना होता, आपको जस्ट यहाँ पे प्लस टू का डालना होता। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, प्लस टू भी डालना है, बैचलर्स डिग्री भी डालनी है। तो चलिए प्लस टू डाल देते हैं। तो हमारा प्लस टू कहाँ से हुआ, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। कब आपने पास किया था, तो जो भी आप जिस भी ईयर में आपने पास किया, चाहे आप 2010 में पास की हो, 12 में, 14 में, जिसमें भी आपने पास किया वो आपको यहाँ से चूज करनी है। ठीक है, तो इसको हम लोग फिल कर लेते हैं। तो जिस भी ईयर में आपने पास किया आप उसको यहाँ से चूज कर लीजिएगा। नेम ऑफ द कॉलेज, ठीक है, तो दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है, तो SSGPS दिल्ली पब्लिक स्कूल, आपका फर्स्ट डिवीजन आया था, आपके परसेंटेज यहाँ पे आ गए। बैचलर्स डिग्री में आप कहाँ से किए हैं, तो आप जहाँ से भी किए हो, जैसे कि मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया था, ठीक है, तो मैं उसे चूज कर सकता हूँ। साथ साथ यहाँ पे अब नेम ऑफ द कॉलेज पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज स्कूल या कॉलेज नेम, दैट इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब आप इसको फिल कर लोगे, चलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हमने फिल कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो इम्पोर्टेंट है, आपका डिवीजन क्या था, तो आपका जो भी डिवीजन है दैट इज फर्स्ट डिवीजन आपने पास किया था, तो फर्स्ट डिवीजन आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, उसके बाद मार्क्स ऑप्टेंट, आपको मार्क्स कितने आए थे, तो अगर आपको वहां पे सीजीपीए का सीन था तो आप यहाँ पे CGPA आप चूज करोगे। ठीक है, आपका CGPA क्या था, तो आपका जो भी CGPA था, जस्ट लाइक मान लेते हैं कि
मेरी वहाँ पे 6.97 CGPA थी, ठीक है, तो मैं 6.97 यहाँ पे मैंने डाल दिया, एंड देन आफ्टर 7%, लेकिन फिर भी आपसे मांगेगा यहाँ पे। तो इस केस में आपको ध्यान रखने की बहुत जरूरत है कि आपको सारी डिटेल्स प्रॉपरली फिल करनी है। सिर्फ आपने फर्स्ट डिवीजन लिख दिया उतने से ही चीजें नहीं चलेंगी। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर जो पेज था, ठीक है, जैसे कि जो मैंने एकेडमिक डिटेल्स जो डाली थी, ठीक है, एकेडमिक डिटेल्स में आपको ये भी डालना पड़ेगा मार्क्स ऑब्टेंड करके, ठीक है, तो जो भी आपके मार्क्स ऑब्टेंड होंगे वो आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने तो यहाँ पे सीजीपीए डाल के मैंने अपना काम चला लिया कि हाँ चलो ठीक है, सीजीपीए इतना आया था और टोटल मार्क्स की मुझे जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे फिल करोगे तो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, जैसे कि अगर यहाँ पे किसी को फिल करना है तो उसको यहाँ पे 6.97, और टोटल मार्क्स अगर आपका मान लेते लेट सपोज 10 है तो 6.97 आपको मार्क्स आए थे, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट डिटेल्स में। डॉक्यूमेंट डिटेल्स में ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ द लास्ट पासिंग ईयर और सेमेस्टर मार्क्स, तो जो भी आपका लास्ट पासिंग ईयर का जो या सेमेस्टर मार्क्स का जो ओरिजिनल कॉपी है वो आपको अपलोड करना होगा, यानी कि इसमें आपको 6 सेमेस्टर की आपको फाइल अपलोड करनी पड़ेगी, यानी 6 सेमेस्टर जो भी आपका है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि इसी बेसिस पे आपको मास्टर्स में एडमिशन होगा, क्योंकि आपको बैचलर्स की इकोनॉमिक की डिग्री तो आपको चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट गेट सेलेक्टेड, सिंपल सी चीज है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, आपको मार्कशीट अपलोड करनी होगी। अब ये जो फाइल है, ठीक है, ये कह रहा है ओनली जेपीईजी, जेपीजी, बीएमपी और पीडीएफ फॉर्मेट, यानी पीडीएफ फॉर्मेट भी अलाउ है, ठीक है, एक बात तो यहाँ से क्लियर होगी, मतलब हम यहाँ इस फाइल को यहाँ पे पीडीएफ में भी अपलोड यहाँ पे। तो जैसे कि बैचलर्स जो था वो 6 सेमेस्टर का ही होता है, तो 6 सेमेस्टर की मार्कशीट हमारे सामने में है, तो हम इसे यहाँ से ओपन कर लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो हमने 6 सेमेस्टर की मार्कशीट यहाँ से ओपन कर लिया है। 6 सेमेस्टर की मार्कशीट यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ पे अब आपसे दो चीज और मांग लें, ठीक है, एक तो चलो ठीक है 6 सेमेस्टर की मार्कशीट यहाँ पे आपकी आ जाएगी। अब जो ये 6 सेमेस्टर की फाइल आ गई, इसका एक सीरियल नंबर होगा, यानी कि एक सर्टिफिकेट नंबर होगा, ठीक है। अगर आप इसके बिना प्रोसीड करते हो, लेट सपोज कि आप इसके बिना प्रोसीड करना चाह रहे हो, ठीक है, तो क्या होता है इन दैट केस, देखिए अगर आप जैसे इसको इन करोगे तो आपको एक रेड मार्क आ जाएगा, इसका मतलब क्या है कि आपका डेटा आपने पूरा पढ़ लिया, आपने नहीं डाला, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पे डालोगे, अदरवाइज आपकी चीजें, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सारी चीजें डाल दी है, अब यहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड हो गया है, हमारा रोल नंबर भी है, सर्टिफिकेट नंबर, इन शॉर्ट हमने रोल नंबर के फॉर्म में इसको अपलोड कर दिया है, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपका सर्टिफिकेट नंबर उसी बेसिस पे, सर्टिफिकेट नंबर जैसे कि अलीगढ़ में रोल नंबर आपका चल सकता है, तो दैट इज इनफ, सेक्शन सीबी से आपका यहाँ पे काम चल जाएगा, ठीक है। देन आफ्टर प्रेफरेंस एंट्री, आपको जो प्रेफरेंस चूज करना है उसकी एंट्री, यानी रिजर्वेशन कैटेगरी अगर आपकी कुछ है तो वो आप यहाँ से चूज करना चाहोगे तो आप उसको चूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे मुस्लिम कैटेगरी मिल सकता है, साथ साथ आपको इंटरनल की कैटेगरी भी मिल सकती है, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं कि इंटरनल कैटेगरी है या नहीं है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी है, मुस्लिम कैटेगरी है, मुस्लिम ओबीसी है, मुस्लिम एससी एसटी मस्कुलर डीएफ, ये सारी कैटेगरी है। इसके अलावा यहाँ पे इंटरनल कैटेगरी भी होनी चाहिए, ओके, यहाँ पे इंटरनल कैटेगरी जामिया की इस कोर्स में तो मुझे नहीं दिख रही है, ठीक है, तो मुस्लिम कैटेगरी को हम यहाँ से चूज कर लेते हैं, ठीक है। तो मुस्लिम कैटेगरी यहाँ से हम जैसे ही चूज करेंगे, ठीक है, तो हमने यहाँ से मुस्लिम कैटेगरी चूज कर ली। अब जहाँ सेंटर आपको चूज करना है, आप कहाँ एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, ठीक है, तो डिपेंड अपॉन द सेंटर की आखिर क्या है। तो एप्लीकेशन हैव टू ऑफर सिटी गिवन लिस्ट बिलो, ठीक है। हाउएवर द सेकंड चॉइस ऑफ द एडमिशन टेस्ट सेंटर इज दिल्ली बाय डिफॉल्ट इफ इन केस ऑफ द एप्लीकेशन आइदर 49 और लेस, अगर 49 या उससे कम अगर होंगे उस सेंटर के लिए तो आपका ऑटोमेटिकली सेंटर कहाँ हो जाएगा, तो दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। तो आप जहाँ भी अगर आप हैं किसी भी जगह फिल किए हैं 49 में से कम होंगे तो आपका ऑटोमेटिकली सेंटर कहाँ हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, तो दिल्ली आके देना पड़ेगा। अभी क्या है कि हमने मुस्लिम भी चूज कर लिया, दिल्ली भी चूज कर लिया, अब हमें इसको सेव एंड कंटिन्यू करना है, हमारा ओवरऑल पूरा फॉर्म फिल हो चुका है, इसमें कुछ भी चेंजेस करने की आपको जरूरत नहीं। एक चीज और ध्यान रखिए, अगर आपने बाई चांस अगर कुछ मिस्टेक कर दी है तो आप यहाँ पे सीधा डायरेक्ट माई एप्लीकेशन पे सीधा होम पेज पे आकर के आप सीधा यहाँ से एडिट एंड व्यू पे जाकर के आप एडिट कर सकते हो। अगर आपने कुछ भी मिस्टेक्स किया किसी भी स्टेज में, आप उस स्टेज को सिलेक्ट करो और उस स्टेज पे जाकर के अपने डिटेल्स को आप एडिट कर सकते हो। एडिट करने के लिए आपको इससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और यहीं से आपका उसके बाद आप कंफर्म एंड प्रीव्यू करके, प्रीव्यू एंड कंफर्म करके आप पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कई बार क्या होता है, बच्चे से मिस्टेक्स हो जाती है कि उसने मतलब कोई चीज को फेल कर दिया और उसके बाद सोच रहा है कि अब क्या करे क्या करे, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर आपसे बाई चांस अगर मिस्टेक्स अगर हो जा रही है तो आपको क्या करना है, होम पेज पे सीधा डायरेक्ट आना है,
होम पेज पे आने के बाद आपको सीधा माई एप्लीकेशन पे जाना है। माई एप्लीकेशन पे आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप इसी को आप प्रोसीड करो, अगर जैसे कि यहाँ पे इनकम्प्लीट है तो आप इसको डिलीट करके दोबारा से आप ऐड कर सकते हो। जैसे डिलीट पे क्लिक करोगे दोबारा से आप ऐड करके आप फिर से आप सारी चीजों को आप कर सकते हो। जैसे कि कुछ थोड़ा बहुत माइनर मिस्टेक्स हो गया तो आप उसको यहाँ से बेसिकली आप सही कर सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं। ठीक है, अगर आपको किसी भी स्टेप पे लग रहा है कि अगर आपसे कुछ मिस्टेक हुई है तो आप ये जो प्रीव्यू फॉर्म है इसमें आप जाकर के फिर आप इसको एडिट कर सकते हो, इसको कंफर्म करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे मेरे लिए तो यहाँ पे चलिए सारी चीजें डिटेल सारी सब 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 चीज सही है, तो मुझे इसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं। बट हाँ, अगर आपसे मिस्टेक हो जाए तो आप इस सारी चीजों को अपना एडिट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना होता है, जस्ट आपको कन्फर्म करना, तो आपको आखिरी में क्या करना है, आई कन्फर्म द अबव, आई कन्फर्म द अबव पे जाके क्लिक करना है। देन आपको कन्फर्म एंड सबमिट पे क्लिक करना है। कन्फर्म एंड सबमिट पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपकी सारी चीजें डिटेल्स फिल हो जाएंगी। इसके बाद आपको इसमें कुछ भी चेंज करने, तो हमने कन्फर्म एंड सबमिट कर दिया था। लेस्ट आखिरी में हमें क्या करना है, जस्ट प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू पेमेंट पे जैसे आप क्लिक करोगे आपकी सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। आपको इसमें क्या करना होगा, आपको जस्ट कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, आपको बस यहाँ पे जाना है और आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। कितने रुपए का जो भी आपका पेमेंट है वो आप यहाँ से आके आओगे आके पेमेंट करोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हाँ एमए इकोनॉमिक्स का 550 रुपए का है, तो जो भी आपका पेमेंट है वो आप मोड चूज करोगे। देन आफ्टर आपको नेट बैंकिंग SBI जो भी आप करना चाहो वो आप कर सकते हो। इसके अलावा जो भी बच्चे अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो BA का एंट्रेंस देना चाहते हैं तो वो हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस जो है वो इवनिंग में चल रही है, और बाकी डिटेल्स के लिए नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से जा करके बाकी डिटेल्स को आप जान सकते हैं। तो आई होप अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।